कैपिटल हॉस्पिटल रे अव्यवस्था बेड न मिलबारु 5 रु 6 घंटा धरी छटपट हेले रोगी आ कर्तृपक्ष मेडिकल कर्तृपक्ष न सुनबारु वीडियो करी अभिजोग जणाइले महिलांक स्वामी सीधासळ आलोचना करबा कोन गठितिला गतकाली केउथि पई से वीडियो कले एवं वर्तमान स्थिति कोन रहिचे भाई काली आपण गोटे सोशल मीडिया रे वीडियो कले कि आपणक वाइफ प्रेग्नेंट अछंदी ओ डिलीवरी पेन मध्ये स्टार्ट हेजी हॉस्पिटल धरी के आसले समस्या कोन हैला काहे समस्या है देखो तो प्रथमे मते आरंभ रु मते समस्त सजेस्ट करले हमें प्राइवेट रे करया किंतु मु आगुरु ऑलरेडी देखि छि के गवर्नमेंट रो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर अछि भितर भी देखिए बहुत बड़ा जिनसे मेंटेन है कछि त मु से होप रे आसिल के नै गवर्नमेंट रे हमें करबा ओके डॉक्टर भी सब चेक कर देले डॉक्टर फाइनल हम कहले के शनिवार दिन आपण एडमिशन कर देबे संडे आपण डिलीवरी करा जइबो आ शनिवार हमें आसिलु एडमिशन पई गोटे बेले आसिलु आज्ञा बुझिले माने ओवरऑली जदि कहया पई चाहिबे हमें गोटे बेले आसिलु हमको फाइनली हमको बेड रे एडमिट कराला 7टा बेलकु बुझिले ना सब जिनस पई पूरा टाइम लागु जे डॉक्टर कहिथिले लेखि नांती जांतु आपण तांगोटु लेखि गानो तांगो जे लेखिया पई जेबे घंटे सेठी अपेया करे बसिया पई नांती आगे हमें ठिया हिजबो हमर प्रेग्नेंट लेड वाइफ अछन सी बी सेन ठिया कि रहिले बुझिले 5टा जिनस दरकार एठी ब्लड टेस्ट दरकार सेठी ब्लड टेस्ट दरकार देखंतु आमे जदि गोटे बिल्डिंग कले केवल मां आ शिशुक पई आमे ए टू जेड सॉल्यूशन भी आमे सेठी रखि पारे त लाभ कोन आमे गोटे बिल्डिंग करिक जदि लोक सेठी समाधान दरकार किंतु 5टा जगह दौड़ी की समय नष्ट करेंगे आज जाड़ी पार ना आम तो पढ़ा लिखा है कि आम एत असुविधार सम्मुखीन होचु ये तो गला 6 घंटा से दिन 6 घंटा नष्ट सेमती गला सब बड़ इश्यू होती काली जिते आम माँ थे ओटी में ऑपरेशन थिएटर रे थिले सॉरी वाइफ थिले ओटी रे आ माँ आमर बाहर थिले माँ को अंटा प्रॉब्लम पूरा भारी जोर थिला आगुरु आउ काली सडन बाहर ला आगे दी महला उपर छटपट हो गले मैंने चली पाइले इमरजेन्सी को नापी मुझ प्लां कल इमरजेन्सी नापी तल आसिक मागिल आज ह्विल चेयर दिखाँ ह्विल चेयर दुटा थुआई से मना करदे आगे आम ह्विल चेयर दे पारू ना आम डिपार्टमेंट व्वज अलग अच्छे आम डिपार्टमेंटर ह्विल चेयर आम आउ का देपरू ना तापर ठीक अच्छे मुझे चल चली गली एक 200 मीटर इमरजेन्सी इमरजेन्सी जाए जो रिसेप्शन अच्छे से रिक्वेस्ट कली से भी से मत मना करदे आ स्वास्थ्य मित्र जो मैंने सब पिंक कलर ड्रेस पिंधिक सब बुल था माल माल मुझ पचारे टे हेल्प करूँ गोटे आम माँ से छटपट हो जाते गाइनिंग दीप ना आम किसी करपरूनी आप खोजुँ मेडिकल भितर स्ट्रेचर आ मेडिकल भितर स्ट्रेचर खोजिक जो पाइबे आप निजे नहीं जाए मुझ गली मेडिकल भितर निजे स्ट्रेचर खोजिली निजे स्ट्रेचर धरिकी आसली इमरजेन्सी गाइनिंग वार्ड से माँ को धरिकी मुझ गली आ स्ट्रेचर कंडीशन तो छाड़ू स्ट्रेचर चलुची मैंने पूरा 6 नंबर शुणी बुझे सी तो गला गोटे जिन आज सका देखो आम केबिन अप्लाई करूँ केबिन मिललानी सेमी केबिन मिलला आउ केबिन ऑलरेडी सका जाइली पुणी अप्लाई करने पुणी मत से दौड़े ना आप पुणी जी एतक फिलअप करेंगे अमुक डॉक्टर पाक जी डॉक्टर पाक गला आसको लोक लाइन अच्छे डॉक्टर ना ओपीडी गला आस ओपीडी पठे दौंत जो आम लेबर रूम को लेबर रूम गला आस पठे दौंत ओपीडी को बुझे मैंने केत राउंड बुलव जदि आम वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस मैंने प्रमिस करचे वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस होती आप जाऊँ प्राइवेट रे देखिए सही कहुए वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस जो आम गोटे घंटे जो कम हो प्राइवेट गवर्नमेंट से कमटापी जो 5-6 घंटा लगुच से वर्ल्ड क्लास कह कि वर्ल्ड क्लास अर्थ गोटे जगार गोटे लोक सीमलेसली सर्विस पाई भावंतु आम तो पढ़ा लिखा अच्छा भावंतु ये सारा ओडिशा आसुच्च लोक बुझे आउ तीए के असुविधा होती है आमती ना कि आम गोटे स्वास्थ्य सेवा मागणार दे दौ अर्थ न कि टाइप्र मनोभाव रहा दरकार आम जमी दौ स्वास्थ्य सेवा तुम सेमती नब बुझे तार तो अर्थ से नुहे ना बुझे सहीटा है गोटे जिनस ना देखो इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया करूँ स्वास्थ्य सेवार अर्थ केवल इनफ्रास्ट्रक्चर नुहे सेटा तो बेसिक डॉक्टर अभाव रोचे कि डॉक्टर मान को आसीबा टाइम टेबल मे भी आज सका देखो मुझे ऑलरेडी डॉक्टर को साइन पे हमर केबिन पे ऑलरेडी पठेले जो मान को जाउछि तीनटा डिपार्टमेंट पळेले ऊपर लेबर रूम को गली तळे ओपीडी को गली बुझले लोक माल माल ठिया होती पेसेंट कि डॉक्टर आसना डॉक्टर केत आसे 9टा तो एमती कौन पाई जदि सब प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट वाइज डॉक्टर करके सब टाइम डॉक्टर अवेलेबिलिटी रखा जा पड़ी तेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं रखा जा पाने रात गाइनिंग में कहीं डॉक्टर रोना केवल नर्सिंग आउ हेड नर्सिंग रोचान कौन पाए एमती डॉक्टर सब शिफ्ट आप रखा उचित ना के सुविधा अच्छी असुविधा अच्छी जदि 100 बेड रो शिशु और माँ को भाई व्यवस्था करा जाइछि ताले ये जदि समस्या देखा जिवो ताले जो बाहर आपण मन तो भुवनेश्वर लोक आपण समस्या निजरो सोशल मीडिया रे जणै देले किंतु जो माने आसु चंदी समान ता तो होची मेजर इशू आ तो छोटो छोटो इशू आपण कहबी हसिबे हम को जतले प्रथम केबिन मिलनथला हमें वार्ड रे थिलु 3 नंबर वार्ड रे थिलु आगे वार्ड रे जो पेशेंट अछन 15-20 सेटे पेशेंट मान पाई पाखरे कोन कराइ छि गोटे टॉयलेट कराइ छि कारण पेशेंट मान दूर को जाई परन सेटि करे स्टाफ मान कोन करछन मन इच्छा ताकू ताला पकेई देछन सेटि हाथ रे लिखि देछन स्टाफ वाशरूम माने पेशेंट चलिकी जी 50 मीटर परिश्रा करने किए वाशरूम जी कि स्टाफ मैंने ताला पक पर्सनाल यूज कर आज मत सका जो सेमी केबिन मिली आज्ञा तार डोर एमती अच्छी दीज लगे पेलिया पड़ी डोरटा देवाई
ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ଅଭାବ। କହିପାରିବା କେବଳ ନାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଓବିୟସ୍ଲି ମାନେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁଅର, ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନ ରହିବ ଆମେ ସର୍ଭିସ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛେ? ଚିକଣ ମାର୍ବଲରେ ବସିବା ପାଇଁ ନା ଚିକଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଚିକଣ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରୋଗୀଟି ଆଣିକି ଆସିଛେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳୁ, ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇଠୁ ବିଦା ହେବା। ଆପଣ ଜିନିଷ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତା'ର। ନିଶ୍ଚୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋପରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଆମେ କାହା କଥା ଶୁଣିବୁନି। କାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମାଆଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ କରେଇଲି, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ବେଳେ ଥିଲା, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲା ଆସୁ ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସବୁ ଲଞ୍ଚରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି କହିବା ଯେଉଁଠିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଡକ୍ଟର ନଥିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଲଞ୍ଚରେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଇଠୁ ସିଫ୍ଟ କରି ନେଇକି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ମାନସ ସାହୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ, କି ଗତକାଲି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କଲେ ବା ବେଡ୍ ନ ମିଳିବାରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛଟପଟ ହେଲେ, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ କାମ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ କଥାରେ ରହିଯାଉଛି କି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସିବା ଦରକାର, କାମରେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।